नमस्कार दोस्तों, मैं हार्डवेयर फिक्सर से कृष्णा ठाकुर। आज हमारे पास ये जो सेट है रेडमी 7A है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? कस्टमर ने इसको हार्ड रीसेट किया है। हार्ड रीसेट करने के बाद क्या होता है, इसमें ये रेडमी के लोगो पर ब्लिंक कर रहा है बार बार, यानी रेडमी लोगो पर आता है तुरंत रिस्टार्ट हो जाता है, फिर रेडमी के लोगो पर आता है फिर रिस्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई ऐसा सेट आता है तो सबसे पहले आपको उसको फ्लैश करके देखना है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। इसको फ्लैश करेंगे तो UMT से हम इसको फ्लैश करने वाले हैं, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से आपको किसी भी सेट को फ्लैश करना है। या आपने बताया कि जो रेडमी के सारे जितने भी मॉडल होते हैं छोटे, रेडमी 7A, 5A, 6A, इनके अंदर क्या होता है, जो स्टोरेज की हेल्थ का, EMC की हेल्थ का बहुत ज्यादा इश्यू आता है। तो अगर ये फ्लैशिंग से नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इसकी जो हेल्थ है उसको रिपेयर करेंगे, वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आपका फ्लैश से नहीं होता है तो। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें, एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसके ईडीएल पॉइंट चेक कर लेने हैं, तो गूगल पे डायरेक्ट आपको रेडमी 7A ईडीएल डालना है, तो ईडीएल पॉइंट आपने चेक कर लिए। ये इसकी हमने ये फाइल को डाउनलोड कर रखा है, तो इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही आपका जो टूल रहेगा UMT रहेगा उसमें ये फाइल लगेगी। तो यहाँ पे हम फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है। फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको UMT में जाना है, और UMT का, क्योंकि आपका क्वालकॉम का चिपसेट होता है तो UMT के अलग अलग सेटअप होते हैं, जैसे मीडियाटेक का अलग होता है, क्वालकॉम का अलग होता है। तो यहाँ पे जो क्वालकॉम का जो टूल है वो है आपका क्यूसी फायर, तो हम यहाँ पे UMT का क्यूसी फायर ओपन करेंगे, उससे ही हम इसको फ्लैश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे UMT ओपन हो गया है, यहाँ मल्टी प्रोग्राम मोड पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि MI के जो सेट हम होते हैं उसको फ्लैश करने के लिए मल्टी प्रोग्राम मोड लेना है। और यहाँ से आपको क्लिक करके जो फर्मवेयर है अपना, फर्मवेयर यहाँ से ले लेना है। तो यहाँ पे जहाँ हमारी फाइल डली हुई है, जहाँ लोकेशन है, उस लोकेशन से हम उस फाइल को ले लेंगे। तो नीचे रेडमी 7A लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से इमेज पूरी फाइल उठाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, क्वालकॉम में जो रेडमी के होते हैं, MI के फोन होते हैं, उसमें हम पूरा इमेज का फोल्डर उठाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम फ्लैश पे क्लिक करेंगे, और फ्लैश पे क्लिक करने के बाद आपको जो फोन होगा, आपने जो ईडीएल पॉइंट दे रखे हैं बिना बैटरी के, बैटरी निकाल कर और ईडीएल पॉइंट को पहले टच करके आपको सिस्टम से कनेक्ट कर देना। आपका जैसे ही सिस्टम से आपका फोन कनेक्ट होगा, यहाँ पे आपका पोर्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे पोर्ट हमारा बनेगा, तो जैसे ही हमारा पोर्ट बन जाएगा यहाँ पे फ्लैशिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा पोर्ट कनेक्ट हो गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट कनेक्ट हो गया, फ्लैशिंग भी हमारी क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है, हमें वेट करना है जब तक हमारी फ्लैशिंग डन नहीं हो जाती है। अगर बीच में दोस्तों कोई एरर आता है तो आपको एक बार और ट्राई करना है, फिर भी एरर आता है तो यहाँ पे जो एरर आते हैं उसको हमें रीड करना है कि एरर हमें क्या बता रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे जो एरर देता है उसी से हमें पता लग जाता है कि फोन में स्टोरेज खराब है या हेल्थ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। तो हम वेट करते हैं या कोई एरर आता है या नहीं आता है, या फ्लैशिंग वाली डन हो जाती है प्रॉपर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग फिनिश हो गई है, तो देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा फोन फ्लैश हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपका फोन फ्लैश भी कंप्लीट हो जाता है पर फिर भी आपका फोन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो हम यहाँ पे फोन को ऑन करके चेक करते हैं कि जो हमारे फोन में प्रॉब्लम आ रही थी, जो रेडमी के लोगों पर बार बार ब्लिंक हो रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो फाइनली हमारा फोन अब ऑन हो गया है, क्योंकि फ्लैश होने के बाद फोन काफी देर बाद ऑन होता है, तो हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। वेट करने के बाद फिर आगे इसका रिजल्ट देखते हैं कि फोन ऑन हुआ है प्रॉपर या नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे हम चार्जिंग पे भी कनेक्ट कर देते हैं इसको, कई बार क्या होता था हमें पता नहीं चलता, बैटरी भी डिस्चार्ज होती है, तो हमने यहाँ पे चार्जिंग भी कनेक्ट कर दी है, जिससे अगर बैटरी वगैरह का इश्यू होगा तो जिससे क्या होता है कई बार बंद हो जाता है सेट, तो हम पे चार्जिंग भी लगा दी है। तो अब वेट करते हैं हम फोन को ऑन होने का प्रॉपर। तो दोस्तों हमारा रेडमी के लोगो से आगे बढ़ गया, MIUI आ गया है, मतलब लगता है कि हमारा जो सेट है वो प्रॉपर ऑन हो जाएगा। तो हमें वेट करना है जब तक प्रॉपर ऑन नहीं हो जाता है सेट। कई बार क्या होता है, कई सारे जो फोन होते हैं, मॉडल होते हैं,
वो इसी MIUI लोगों पे ही रुके हुए रहते हैं। तो फ्लैश होने के बाद काफी टाइम लगता है सेट को ऑन होने में, तो आपको वेट करना है जब तक। तो दोस्तों इसको MIUI के लोगों पे काफी टाइम हो गया है। इस तरह से अगर MIUI के लोगों पे ज्यादा भी टाइम लगता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार बैटरी को दोबारा से निकाल के लगा देना है। तो हम यहाँ पे यही करते हैं, चार्जिंग को निकाल देते हैं, जितना चार्ज हो गया होगा क्योंकि काफी समय से अटका हुआ है। तो हम बैटरी को निकाल के एक बार दोबारा से लगा के हम चेक करते हैं, फिर दोबारा से ऑन करते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि हम लगा के ऑन करते हैं ऑन नहीं हो पाता है प्रॉपर, तो हम दूसरी बार भी ऐसा कर सकते हैं कि बैटरी निकाल के दोबारा लगाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो बैटरी निकाल के मैंने दोबारा लगा दिया, तो यहाँ पे इसको दोबारा से ऑन करेंगे, फिर वेट करेंगे कितना टाइम लेता है। तो ये दोबारा से चालू हो गया, अब देखते हैं जल्दी चालू होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे रेडमी का लोगो गया और यहाँ पे MIUI का लोगो आ गया है, यानी कि अब थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसके बाद प्रॉपर ऑन ऑन होता है या नहीं होता है चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका फोन पूरी तरह से ऑन हो गया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको दोस्तों कवर किया है कि कोई भी आपके पास रेडमी का फोन आता है या MIUI का फोन आता है तो किस तरह से उसको फ्लैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने MIUI के फोन को फ्लैश किया है, तो MIUI के फोन को फ्लैश करने के लिए यहाँ पे मैंने UMT का QC फायर ओपन किया है और किस तरह से फ्लैशिंग होती है वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर की है। तो बाकी इसका सेटअप आपको आगे बढ़ा लेना है, FRP वगैरह रहती है, अगर नहीं रहती तो आप FRP भी बाईपास कर सकते हैं, बाकी कस्टमर अपना जीमेल वगैरह डाल के यहाँ पे कर सकता है। तो इस तरह से अगर दोस्तों आपके पास कोई भी सेट आता है तो आपको फ्लैश करके प्रॉपर उसे ऑन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।